किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल। आज तारीख है 31 अगस्त 2019, लेकिन आज का विषय है एंथ्रेक्नोज। एंथ्रेक्नोज जो है एक ऐसी बीमारी होती है, वो ये देखिए आप, जैसे ये पौधा है तो इसकी ये टिप्स, पहले ये टिप्स जो है ना, ये दिखाइए, ये टिप्स जो है ना काली पड़ती है, इसको देखिए ध्यान से, ये टिप्स काली हो गई, ये टिप्स। और जब ये टिप्स काली होगी, ये देखिए इस टिप्स को, ये टिप्स काली होगी तो ये कमजोर होकर, देखिए जैसे ये अलग हो गई, इस तरह से ये गिर जाती है। अगर हमने इस पे प्रिवेंटिव मेजर नहीं लिया या पहले से इसकी सुरक्षा नहीं की तो इसका ये टिप्स खराब हो जाती है। और जो बड़े पौधे हैं, देखिए ये भी टिप्स खराब है, मैं इसीलिए लाया हूँ। ये पौधा हमने अभी जुलाई के शुरू में लगाया था, जून के शुरू में लगाया था हमने, जून के जब कटिंग की थी तभी मैंने लगाया था ये। और ये जो मैंने दिखाया था आपको VNR का पौधा है, बहुत अच्छा पौधा होता है। अगर आप बड़े अमरूद के पेड़ में भी देखेंगे, अगर ये बीमारी शुरू हो गई तो जैसा मैं आपको अब स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस प्रकार इसके फल भी इससे प्रभावित हो जाते हैं। आपको पता है जो बरसात की फसल लेते हैं उनमें कई बीमारी आते हैं, जिनमें से फल मक्खी एक है, लेकिन ये बीमारी बहुत ही खतरनाक है, ये कभी भी आ सकती है। इस बीमारी का जो मेन कारण है, अगर ये इस तरह से हो गया तो जब कलियां आती हैं, कलियां भी देखिए इस प्रकार से गिर जाती है, कलियां भी गिर जाती हैं और फिर इससे अमरूद भी प्रभावित हो जाते हैं, उन पर धब्बे आ जाते हैं और उनका बाजार में कोई भाव नहीं मिलता। इस बीमारी की हम किस प्रकार रोकथाम करें, यही आजकल हमारा विषय है। किसान भाइयों, जिन लोगों के पेड़ 2 वर्ष से बड़े हैं उनको क्या करना है, 25 जून के आसपास प्रोपेकोनोजोल का 2 ml प्रति लीटर का एक छिड़काव करना, ये बहुत जरूरी है। इससे प्रोपेकोनोजोल जो है ना एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है, जैसा कि मैंने आपको अपनी वेबसाइट में एक लेख के द्वारा बताया कि सिस्टेमिक फंगिसाइड जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब उनका छिड़काव करते हैं हम तो पत्तियों में अंदर समाहित हो जाते हैं और अंदर जाकर कोशिकाओं के साथ काम करते हैं, अंदर से फंगस पर इफेक्ट करते हैं। तो जब अंदर से पौधा स्वस्थ होगा तो बाहर से उस पर नहीं आएगा। इस बीमारी का जो मुख्य कारण है वो है ह्यूमिडिटी। बहुत लंबे समय तक जब बारिश होती रहती है या मौसम में धूप नहीं निकलती, इस तरह से हो जाती है, तो ये नमी के कारण होता है। और ये कभी कभी फरवरी मार्च में बहुत होता है और या जुलाई अगस्त में बहुत इसका प्रकोप होता है। अगर आपने जून में इसका प्रबंधन कर दिया तो फिर कोई इसकी प्रॉब्लम नहीं आती। अगर ये रोग आ गया और आपके पौधे, आप बरसात की फसल ले रहे हैं, तो इसमें आपके पौधों पर धब्बे भी हो जाएंगे। और जरूरी नहीं है ये प्रकोप आपका बाद में जुलाई अगस्त में जो आता है, जुलाई अगस्त में आने वाला जो प्रकोप है, ये सर्दियों की फसल पर इफेक्ट करता है। तो सर्दियों में जो अमरूद अच्छे लेने की आप सोच रहे हैं वो अमरूद खराब हो जाएंगे, जैसा मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये अमरूद सब खराब हो जाएंगे। इसलिए आप इस बीमारी का अक्सर ये देखा गया है, आपके पौधे छोटे हों बड़े हों, अगर आपने लगाए हैं उसी वर्ष नहीं लगाए, 1 वर्ष से बड़े हैं, तो 25 जून के आसपास एक बार प्रोपेकोनोजोल 2 ml का स्प्रे जरूर करें। और अगर इसमें आप 19-19-19 का, अगर रासायनिक खेती करते हैं तो 19-19 का आप स्प्रे भी कर दीजिए। अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो वेस डिकम्पोजर लीजिए, 50% वेस डिकम्पोजर का स्प्रे करिए। और एक फंगस आता है जिसे मेटारिजियम एनासेपोली बोलते हैं, आप उसका 6 ml, अगर लिक्विड है तो 6 ml प्रति लीटर लेकर उसका छिड़काव करिए, और अगर पाउडर के रूप में लिया है तो 8 ml लेकर उसका छिड़काव करिए, तो आप इस बीमारी से बचे रहे, न आपके पौधे खराब होंगे न ये होंगे। एक और जो लोग रसायन में, तो इसका प्रोपेकोनोजोल है वो इसका बिल्कुल आपको ख़त्म कर देगा, नहीं होगा ये बिल्कुल भी, लेकिन जैविक खेती में थोड़ी प्रॉब्लम है। जैविक खेती में आपको मैंने 2 चीज़ें बताई, एक और चीज़ मैं बता रहा हूँ, नीम का तेल।
अगर 10,000 पीपीएम का नीम का तेल लेते हैं तो 3 ml प्रति लीटर स्टिकर में पहले मिलाइए उसको, स्टिकर में मिलाकर उसका छिड़काव करिए, और एक बार 15 जुलाई के आसपास हो बीमारी या ना हो तो आप इसका छिड़काव अवश्य कर दें, तो आपके पौधे हमेशा स्वस्थ रहेंगे, ये बीमारी नहीं आएगी। जैसे अब आ गई, मैंने इन पर स्प्रे करा दिया, अब ये ख़त्म हो जाएगी। ये था आज का पहला भाग जो मैंने बताया है कि एंथ्रेक्नोज क्या है और ये बीमारी क्या है। सबसे पहली पहचान मैं फिर बता देता हूँ कि इसकी जो टिप्स होती हैं वो काली पड़ जाती हैं और धीरे धीरे सूख कर गिर जाती हैं। जो फसल है, फल है, उन पर भी अफेक्ट होता है, उन पर धब्बे आ जाते हैं, काले काले धब्बे आ जाते हैं, फल खराब। आइए अब बात करते हैं दूसरे। देखिए ये जो पौधा है ये मैंने 3-4 जून को लगाया था। ये VNR का पौधा है, इसमें देखिए कितनी कली आई हुई है, लेकिन मैंने इन सब को तोड़ देना है क्योंकि पौधा छोटा है। लेकिन आप देखिए कितने खूबसूरत अमरूद है इसमें, ये देखिए 4 ये रोके हुए हैं और कितनी कलियां आ रही हैं इसमें। देखिए इसमें भी ये जो है ना आपका ये बीमारी आ गई, ये जो एंथ्रेक्नोज की बीमारी है ये इसकी पहचान है, ये देख लो अच्छी तरह से समझ लीजिए। दूसरा पौधा है ये मेरा ललित का, ये 14 महीने का पौधा है। आप देखिए इस पर कितने फ्लावर आए, कितने फल लगे हुए। तो मैंने इन पर 3-3, 4-4 के उसमें थे, लेकिन मैंने इनको सेलेक्ट करके तोड़ दिया और एक शाखा पर, अगर आप देखेंगे एक शाखा पर मैंने 2 ही छोड़े हैं, 1-2। आप ये देखिए 1-2, 1-2, 1-2, 1-2। अब मैं इनकी 1-2 दिन में एक कटिंग करूंगा। ये देखिए एक एक है, जिस शाखा पर अमरूद नहीं है उस शाखा को मैं हटा दूंगा। ये है एक पेड़, ये देखिए इधर आइए और आपको एक पेड़ और दिखाता हूं मैं। ये मेरे हिसाब से ये बर्फ खान का पेड़ है मेरा जो है ना, और इस पर भी कुछ फल आए हुए हैं। ये देखिए एक ये है, एक ये है और ये लगे हुए, कुछ ये सब नहीं है। मैंने इनकी ऊपर से ताकि बढ़वार ज़्यादा ना हो और जो असर आए इन पर आए, तो इस प्रकार इनकी कोमल ये जो ऊपर की जो टिप्स होती हैं इनको मैं तोड़ दिया था। जैसे ये मैं तोड़ रहा हूँ, ये तोड़ दिया। अब क्या होगा, इसमें फुटान होगी। देखिए कितने अच्छे अमरूद आए हुए हैं। मैं आपको 1-2 और पौधा दिखाता हूँ। ये देखिए, ये भी मेरे को तो बर्फ खान का पौधा लग रहा है। तो ये देखिए इस पर कितने हैं, जब अमरूद आ जाएंगे जब पता चलेगा। देखिए कितने अमरूद आए हुए हैं, ये देखिए भयंकर। और मैंने काफी अमरूद इसके तोड़ दिए। अब मुझे क्या करना है, देखिए 3-3 अमरूद आए हुए हैं इस पर, ये 3 हैं, ये 2 हैं छोटे से इस पर, ये 1 है, ये 1 है, ये देखिए कितने अमरूद आए हुए हैं। तो जिन शाखाओं पर अमरूद आए हुए हैं उन्हें ऊपर से अगर हम तोड़ देते हैं तो इनकी बढ़वार खत्म हो जाती है, और ये जो एनर्जी है ये एनर्जी अब आपके जो फल हैं उनको मिलने लगेगी और आपके फल जल्दी बड़े होंगे। किसान भाइयों, इसमें मैंने अभी लगभग 15 दिन पहले नीचे 100 ग्राम DAP और 50 ग्राम पोटास इनमें लगवाया था, और इसे देखने के बाद पहले मैंने दिखाया था कि काफ़ी पौधे मेरे पीले हो गए थे, लेकिन वो अब हरे हो गए, वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए वो भी मेरे जी, इस पौधे को ध्यान से देखिए कि इस पौधे में ये जो भाग है ये देखिए पीला है और इस पे कुछ धब्बे भी आए हुए हैं। इसमें क्या करूँ, ये देखिए, लेकिन यहाँ से ऊपर का जो भाग है ये हमारे खाद डालने के बाद का परिणाम है। ये मुझे जो है उन्होंने, जैन साहब ने बताया था, तो इसमें मैंने प्रति पौधा 100 ग्राम DAP और 50 ग्राम पोटास और इसमें 50 ग्राम मैंने सल्फर दिया। जितने ये पीले पौधे हैं इनमें मैंने सल्फर दिया था। अब आप देखिए ऊपर से इसको ध्यान से देखिए कितना हरा चल रहा है, और इसमें स्प्रे भी करा। एक ये पौधा है और ये देखिए, ये पौधा मेरा उसका है ललित का है, देखिए कितनी छोटिंग आई। इनको हमें कुछ तोड़ना है, ये देखिए अभी पूरे नहीं छटे, ये देखिए कितनी छोटिंग आई हुई। तो जहाँ जहाँ ये बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कहीं कहीं की मात्रा में है गुच्छों में, तो उनको हम तोड़ देते हैं ताकि हमारा जो है ना
फल स्वस्थ रहे। एंथ्रोकोनोनोज पर एक है प्रोपेकोनोजोल, और उसके बाद एक और भी है जो यूपीएल का साफ नाम से आता है। साफ में क्या है, कार्बेंडेजम है 12% और मैनकोजेब है 63% होता है, जो कि एक संपर्क यानी कॉन्टेक्ट फंगिसाइड है और सिस्टेमिक फंगिसाइड है, ये दोनों का काम करता है। अगर आप इसे भी छिड़कते हैं, और छिड़कना चाहिए आपको एक बार इसको, जब मैंने बताया था कि जुलाई के प्रथम वीक में एक छिड़क दीजिए 30 ग्राम प्रति 15 लीटर की टंकी। ध्यान ये रखना है आपको कि आपको उसमें एक स्टिकर अवश्य मिलाना है, कोई भी स्टिकर मिलाए, चाहे शैम्पू का पोच मिलाए, चाहे बाजार से कोई स्टिकर खरीदे, ये आपकी इच्छा है। तो ये ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप सर्दी की फसल ले रहे हैं तो 25 जून के आसपास प्रोपेकोनाजोल का स्प्रे अवश्य कीजिए, और जुलाई के फर्स्ट वीक में एक आप जो है ना, चाहे प्रोपेकोनाजोल की साथ ही कर दीजिए, नहीं तो जुलाई के फर्स्ट वीक में आप साफ की जरूर करिए, जो यूपीएल का साफ है उसमें सिस्टेमिक और कॉन्टेक्ट फंगिसाइड दोनों होते हैं। किसान भाइयों, ये थी मेरी आज की प्रस्तुति, जो अमरूद में बरसात में एक रोग होता है, सब परेशान होते हैं इससे, और इससे आपको जो टिप्स हैं वो काली पड़ती हैं, अमरूद खराब हो जाते हैं, उन पर धब्बे आते हैं। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, जो अमरूद की देखभाल में जो बरसात में आती है उस पर थी। अब भी अगर आपके कोई सवाल हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम पर जो अमेजिंग किसान ग्रुप है उसके सदस्य बनिए, उसको ज्वाइन करिए, अपनी समस्या वहाँ बताइए, वहाँ बहुत एक्सपर्ट है। दूसरी चीज, अब मैंने एक नियम बना लिया है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि अगर आपको जो मैंने बताया है इसमें कोई संशय है तो आप हमारी वेबसाइट पर जाइए, तो अमेजिंग किसान वेबसाइट पर एक मेरा फ्रॉम अमेजिंग किसान डैश करके कॉलम है, उसमें ये लेख आपको मिल जाएगा। आप इस लेख को पढ़िए, और फिर भी अगर समझ में नहीं आता तो आप अमेजिंग किसान ग्रुप पर देख सकते हैं, बात कर सकते हैं, या मुझे लिख सकते हैं। किसान भाइयों, जो अमरूद की फसल आ रही है, अगर उसमें इतने ज़्यादा ये अमरूद हैं तो इनको थोड़ा कम करना सीखिए। ये देखिए कितने ज़्यादा अमरूद हैं, तो इनको कम कर दीजिए। अमरूद कम होंगे तो फले फूलेंगे ज़्यादा, और आपकी आइए अब देखते हैं चलते चलते सेक्शन। किसान भाइयों, अमेजिंग किसान वेबसाइट पर एक नया हमने एक सेक्शन ऐड किया है, अमेजिंग आइडियाज। इसमें हम जो हमारे किसान भाई जो स्थानीय रूप से में प्रयोग करते हैं, जो आइडिया देते हैं, हम उनको लिखते हैं। आज का आइडिया है कि फ्री में घर पर कैसे जैविक यूरिया बनाए। देखिए, ये जो है इसकी इसको हमें बताया है जो हमारे कार्य समिति के सदस्य हैं और अमेजिंग किसान ग्रुप के सदस्य हैं, श्री देवी शंकर जाट जी ने, जो सवाई माधोपुर के हैं, वो जैविक खेती करते हैं, और उन्होंने बताया है कि घर पर कैसे जैविक यूरिया बनाएं। आप देखिए, जो हम यूरिया बाजार में लेते हैं वो हम जैविक खेती में नहीं डाल सकते, लेकिन अब हम क्या करें, या तो आपसे बायो जैविक खरीदिए आप बाजार से, जिसमें एजोटोबैक्टर होता है जो, लेकिन अगर फिर भी इसकी मात्रा कम पड़ती है तो घर पर जैविक बनाइए। इसका बड़ा साधारण तरीका है, हम सब जानते हैं गाजर घास। गाजर घास को हम कांग्रेस घास भी बोलते हैं, और हमारे यहाँ तो इसको भूतड़ी भी बोलते हैं। ये अधिकतर खेत के चारों तरफ होती है, सड़क के पास बहुत मिल जाएगी, लेकिन कोशिश करिए जितनी ये हरी हो उतनी ले लीजिए। अब मैं आपको लगभग 4 टंकी के लिए ये सामग्री बता रहा हूं। आपको चाहिए 1 किलो गाजर घास, 5 ग्राम फिटकरी, फिटकरी वही होती है जो हम घर में यूज करते हैं, 5 ग्राम फिटकरी ले लीजिए, और आपको चाहिए 10 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर का घोल। तो ये 3 चीजें चाहिए, और चौथी सामग्री आपको चाहिए, चीज चाहिए, एक चाहिए प्लास्टिक की बाल्टी। 10 जो आपकी 1 किलो गाजर घास है उसको बारीक काट लीजिए, छेद लीजिए, जो 10 किलो आपका वेस्ट डिकम्पोजर है उसमें डाल दीजिए, और जो 5 ग्राम आपकी फिटकरी है, ध्यान रखिए फिटकरी में बहुत ध्यान रखना है, 5 ग्राम ले, तो 5 ग्राम फिटकरी पीस लीजिए और इसमें मिला दीजिए। इसको अच्छी तरह चलाकर बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद में आपको क्या करना है, अब बाल्टी को अच्छी तरह से ढक दीजिए कपड़े से,
और इसे 7 दिन के लिए छोड़ दें। जब 7 दिन के बाद आप इसे खोलेंगे तो इसको छानकर इसका लिक्विड अलग कर लीजिए और इसका स्प्रे करिए। स्प्रे कैसे करते हैं कि एक 15 लीटर की जो टंकी होती है उसमें 750 ml, इसमें से लीजिए 750 ml लीजिए, जो ये आपका है जैविक यूरिया का घोल लीजिए, और 750 ml लेकर इसमें बाकी पानी मिलाइए। तो आप एक टंकी में 750 ml ये होगा जैविक यूरिया होगा और बाकी पानी होगा, और जब आप इसका छिड़काव करेंगे तो प्रति पौधे पर 15 ml के लगभग जैविक यूरिया जाएगा। आप इसे करिए, देवी शंकर जाट जी करते हैं, मैं भी करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना अनुभव से शेयर कीजिए, और इसके लिए हम देवी शंकर जाट जी के आभारी। इसी के साथ विदा लेता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।